अब इस एनिमेशन पे आप थोड़ा गौर करें, कैम ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, इस एनिमेशन को आप थोड़ा गौर से देख ले, इस एनिमेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है फुरकान? ओके चलो ठीक है। अच्छा चले, अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह हो रहा है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज व्हेन अ डोनर्स ब्लड इज ट्रांसफर टू अ पेशेंट। जब हम एक हेल्दी पर्सन का, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की ब्लड को हम ट्रांसफर करेंगे एक पेशेंट में, एक पेशेंट के बॉडी में, इस प्रोसेस को ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब पेशेंट को हम क्यों ब्लड लगाएंगे, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगा, या उसके ब्लड कम होगा, या उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमें एक हेल्दी ह्यूमन बींग या एक हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के ब्लड ग्रुप को हम वहां पर जो है ना ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अच्छा, टाइप ओ निगेटिव ब्लड डज नॉट हैव एनी एंटीजन। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं है, दियर फॉर ओ निगेटिव इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। अब एंटीजन नहीं है, देखिए एक थोड़ा सा गौर कर ले आप लोग, देयर इज नो एनी एंटीजन इन ओ निगेटिव। ओ निगेटिव के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, आप किसी भी पेशेंट में लगा दे तो ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, वहां पे कोई रिएक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन कोई फॉरेन सब्सटेंस है, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां से इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होएगा, लेकिन ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, लिहाजा इसके खिलाफ कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। तो ये आप जिस भी ग्रुप के पेशेंट को आप ओ नेगेटिव ग्रुप लगवाएंगे तो ये लगाया जा सकता है किसी भी ग्रुप को। Therefore, O negative is known as universal donor. ठीक है? अगर हम ABO ब्लड ग्रुप की बात करें, ABO ब्लड ग्रुप, सॉरी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब AB नेगेटिव, सॉरी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ना, इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। अब इसके खिलाफ अगर हम देख ले, अगर पिछले डायग्राम में आपको याद है, तो AB ब्लड ग्रुप का, यानी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं था। जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप आप डाल दे वहां पर, तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा वहां से, क्योंकि वहां पे कोई एंटीबॉडीज पहले से मौजूद नहीं थी। जो कोई भी एंटीजन आप उसके अंदर, एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप आप उसके अंदर डाल दो तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अच्छा, अब अ पर्सन हु इज एबी पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी टाइप, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है जो किसी भी ब्लड ग्रुप के टाइप के खिलाफ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम पे अब हम देखते हैं। ठीक है, अब डायग्राम पे आप थोड़ा गौर से देख लें, रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स में अगर हम देख लें, कंपेटेबिलिटी टेबल है। ठीक है, कि हम, हमारे पास कौन सी एबिलिटीज है, कौन से ब्लड ग्रुप को हम कौन से उसको लगा सकते हैं, ब्लड को हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप हमारे पास मौजूद है और ये सारे डोनर ब्लड ग्रुप हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें तो वो हम ओ नेगेटिव को लगा सकते हैं, वो नेगेटिव जो है ना, वो नेगेटिव यूनिवर्सल वो है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ओ नेगेटिव डज नॉट हैव एनी, सो इट इज यूनिवर्सल डोनर, ये किसी भी उसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें, ये डोनर है, ये ब्लड ग्रुप दे सकता है ओ नेगेटिव को भी, और वो नेगेटिव का ब्लड ओ पॉजिटिव को भी लगाया जा सकता है। ओ नेगेटिव का ब्लड जो है ना, वो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, यानी सबको लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव को हम ओ नेगेटिव को नहीं लगा सकते हैं, इसके बाद ओ ए नेगेटिव को नहीं लगा सकते हैं, बी नेगेटिव को नहीं लगा सकते हैं, और ए बी नेगेटिव को नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह इस साइड से ट्रांसफ्यूजन जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है। ए नेगेटिव को देख लो, अगर ए नेगेटिव को हम देख ले तो ये
ओ को नहीं लगाया जा सकता है, ओ बी को नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ए और ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव दोनों में एंटीजन मौजूद है, दोनों एंटीजन मौजूद है, सॉरी एंटीबॉडीज मौजूद है ए बी, तो इसको कोई भी हम वो नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह अब ये पूरी लाइन ए बी ए ओ का जो पूरी लाइन है आप देख लो, कोई भी ब्लड नहीं लगाया जा सकती, क्यों, क्योंकि इनके खिलाफ इनके पास दोनों एंटीबॉडीज थे, ठीक है, और इनके खिलाफ इनके पास जो एंटीजन है तो वो सारे इनको लगाई जा सकती है। इसी तरह अगर हम ए बी पॉजिटिव को अगर हम देख ले, लास्ट वाला जो लाइन है इसको अगर आप देख ले, तो ए बी नेगेटिव को सारे ब्लड लगाए जा सकते हैं, और ये सबको ब्लड डोनेट भी कर, सॉरी ये सबसे ब्लड रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। तो एक थोड़ा बहुत एक ब्लड चार्ट है, इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे, और इससे पहले ये जो एनिमेशन है इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्लड ग्रुप किस किस को लगाया जा सकते हैं, किस किस को नहीं, ठीक है।